G7 समिट की आखिरी दिन शुक्रवार को पूरी दुनिया की नजर इटली के फसानो शहर पर टिकी थी। वहीं यहां दुनिया में छिड़ी दो जंग से लेकर AI और क्लाइमेट चेंज जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। वहीं भारत के लिए यह समिट इसलिए भी खास था क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले विदेश दौरे पर गए थे। वहीं G7 के इतर से पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। वहीं इनमें इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो तक भी शामिल है। इस दौरान मोदी वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकात और बैठकों के कई खास मोमेंट भी सामने आए। वहीं G7 के आउटरीच सेशन के बाद इटली के पीएम मेलोनी ने मोदी के साथ सेल्फी ली। वहीं खालिस्तानी आतंकी निज़र की हत्या से भारत कनाडा के बीच शुरू हुए विवाद के बाद यह पहला मौका था जब पीएम मोदी ने कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो से मुलाकात की। इटली में कैथोलिक चर्च के हेड पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। उन्होंने पोप को गले से लगाया। साथ ही G7 के आउटरीच सेशन के आखिरी में इसका हिस्सा रहे सभी देशों के लीडर्स ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई।